नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल इटैक कंप्यूटर एजुकेशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि पेज के जो प्रकार होते हैं वो कई प्रकार से होते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं A4, लेटर, लीगल, A3, यही हम इन पेजों को यूज़ करते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर ये कहा जाए कि आपका पहला पेज A4 हो और दूसरा पेज लीगल हो या फिर A3 हो, तो ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे? ये करना उन लोगों के लिए इम्पॉसिबल है जो इस चीज के बारे में नहीं जानते। लेकिन मैं आज आपको यही चीज बताने वाला हूँ कि अगर हमारे पास में 5 पेज की फाइल है या 10 पेज की फाइल है और मैं चाहता हूँ कि 2 पेज A4 पे प्रिंट किए जाएं और 4 पेज लीगल पे किए जाएं। ज्यादातर ये चीजें उन लोगों के साथ में होती है जो एफिडेविट फॉर्मेट करते हैं या फिर बैनामा करते हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि हमारा पहला पेज A4 पे आता है और बाकी के पेजेस लीगल पे निकलते हैं। तो यही सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए फिर चलते हैं अपनी वीडियो। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो में। अभी यहाँ पे हम डिस्प्ले पे हम अपनी पे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये भी हमारा पेज A4 है और ये भी पेज A4 है। पेज का कैसे पता लगाएंगे हम कि पेज A4 है या नहीं है, कैसे पता लगाना है? तो हमने क्या करना है, सीधा आप जाते हैं जैसे कि लेआउट पे और साइज पे जैसे आप चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे लेटर पे क्लिक हो रहा है A3 कर देंगे तो ये सारी चीज़ें ले A3 हो जाएंगी, A4 पे करेंगे तो ये पेज भी सारे के सारे A4 हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि ये वाला पेज हमारा लेटर रहे और ये वाला पेज हमारा लीगल हो जाए। इस तरीके से हम इनको अलग अलग डिवाइड कैसे करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम किसी भी चीज़ का मार्जिन, आप देख सकते हैं सारी की चीज़ें एक साथ चल रही हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं किसी बैनामे की तो उसमें क्या होता है कि लेटर जो एफिडेविट बनते हैं वो A4 पे बनता है पहला पेज, बाकी सारा सिस्टम वो लीगल पे निकलता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, तो हमने क्या करना है, वही सेम प्रोसेस, इसमें भी सेक्शन ब्रेक का यूज़ होगा। सेक्शन ब्रेक इसमें हम कैसे लेंगे, जैसे ये हमारा A4 पेज हुआ, हम यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल एंटर प्रेस कर देंगे, जैसी नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे शो एंड हाइड वाला ऑप्शन किया यूज और सीधा चले गए लेआउट के अंदर ब्रेक्स और नेक्स्ट पेज। जैसे आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सेक्शन ब्रेक है और इसका पेज ब्रेक भी आपको यहीं पे होना। अब हमने क्या करना है, वापस से जैसे कि ये पेज नंबर 1 है, ये हमारा 2nd, हमने इसको डिलीट रख देना है और पेज ब्रेक वाले ऑप्शन से हमने ओके कर लिया। अब इसका हमने सेक्शन भी ब्रेक कर लिया, अब आप यहाँ से इसको क्लोज कर लीजिएगा। अब ये वाला जो हमारा सेक्शन है इसको हम चेंज करेंगे, यहाँ पे हम इसको A3 बना देंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये वाला पेज हमारा A4 ही है, ये हमारा A3 हो गया। क्यों? क्योंकि हमने ये सारे के सारे सेक्शन चेंज कर दिए, ये हमारा A4 है, ये हमारा A3 है। इस तरीके से हम, अब आप अगर एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, जिस तरह से अभी मैं मार्जिन का यूज़ कर रहा था, अब मैं अगर इस पेज का मार्जिन छेड़ूंगा तो ये इसी पेज का मार्जिन चेक होगा, अगर मैं इस पेज से मार्जिन हटाऊंगा तो उन पेजेस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने इस पे क्लिक किया तो ये, अब इसमें एक चीज का और पंगा फंस रहा है अभी। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है आपको देखने को मिल रहा होगा, सेम एज प्रीवियस वाला, इसको आप अनलिंक कर दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। जी हाँ, देखो जैसे कि ये वाले 2 पेजेस हमारे लीगल, ये हमारे A4 हैं और ये हमारे लीगल हैं। अब इनको हम अगर चेंज करते हैं तो मार्जिन हमारा सिर्फ इनका ही चेंज हो रहा है, लीगल का इनका नहीं हो रहा। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब मैं इनको चेंज कर सकता हूँ क्योंकि अब हमने इनका क्या किया है, सेक्शन को ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। और जब हम इनको सेक्शन, हमने दोनों पार्टीशन इनके डिवाइड कर दें तो आप इसके अंदर कुछ कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ कर सकते हैं। आप चाहो कि यहाँ पे वाटरमार्क दूसरा लगाना है, इसके अंदर दूसरा लगाना है, तो भी हम
वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों तक इसको सब शेयर